हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बंगाली का फेमस डिश फीस भापा। ये भाप से बनता है, इसीलिए इसे भापा बोलते हैं। आप इस तरह से एक बार खाएंगे तो फीस करी खाना भूल जाएंगे, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनता है। हमने यहाँ पर फीस को हल्दी, नमक और नींबू का रस डालकर अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। नींबू का रस डालने से फिश का जो बैड स्मेल रहता है वो चला जाता है। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ग्राइंडर जार में हमने यहाँ पर लिया है पीली सरसों 2 चम्मच, पोस्तो 2 चम्मच और 1 चम्मच काली सरसों और 2 हरी मिर्च। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसका महीन पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए, हमने मेन पेस्ट बना लिया है। अब हम एक टिफिन लेंगे, टिफिन में सारा मसाला डाल देंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच खट्टा दही। दही डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें फीस को रख देंगे। यहाँ पर हमने कच्चा फीस लिया है, इसको फ्राई नहीं करेंगे। इस तरह से बनाने से फीस बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अब ग्राइंडर जार को धो के थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें और इसमें डालेंगे कच्चा सरसों का तेल 2 चम्मच। अब हम सारे चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और अलट पलट देंगे फीस को। आप सोचते होंगे ये स्मेल करेगा, बिल्कुल नहीं, ये स्मेल बिल्कुल नहीं करेगा और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। और इसमें डाल देंगे 3 हरी मिर्च और इसे ढक्कन लगा देंगे। हमने यहाँ पर कढ़ाई में पानी और स्टैंड रख दिया है और इसके ऊपर रख देंगे टिफिन को। टिफिन पूरा पानी में डूबना नहीं चाहिए। कवर कर कर 20 से 25 मिनट पका लेंगे, इसके बाद ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, हम लोग का फीस भापा बनके तैयार हो गया। आप इसे गरम गरम चावल रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनता है और इतना टेस्टी बनता है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट है।